मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम है। आज हमने पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स करना है। उलट हमने पिछले लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम करी थी, क्या था कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लें तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होता है ये परपेंडिकुलर और ये बेस। रिजल्ट क्या था कि अगर कोई ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगी, मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। अब हमने उलट पता करना है कि अगर किसी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर हो तो उसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल, हम सबसे पहले एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये लीजिए, मैंने एक ट्रायंगल बना ली और इसका ट्रायंगल का नाम रखा मैंने ए बी एंड सी। ठीक है, अब इस ए बी सी ट्रायंगल में मैंने ये प्रूव करना है कि एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले वैसे ही गिवन क्या दिया है, एक ट्रायंगल ए बी सी है ना, जिसमें रिजल्ट अब उलट दिया हुआ है, मतलब ये स्क्वायर दिया हुआ है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, ए सी है, उसका स्क्वायर किसके बराबर है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बी सी स्क्वायर। ये एच है, हाइपोटेन्यूज है ना, और ये क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है मेरे पास, बेस है, नीचे वाला क्या है मेरे पास, बेस है। ठीक है, तो अब हमने प्रूफ क्या करना है कि एंगल बी कितने का है, 90 डिग्री का, ये प्रूफ करना है। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमने एक तरीका निकाला है, क्या कि हम इसी तरह का एक और ट्रायंगल क्रिएट करने वाले हैं। उस ट्रायंगल की खासियत ये है कि उसका जो इस बीच वाला एंगल होगा वो 90 का होगा। हम इस तरह की ट्रायंगल क्रिएट करने वाले हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल और क्रिएट करने वाली हूँ। ये लीजिए, आपके सामने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ जिसकी खासियत ये है कि जो इसका नाम मैंने रख दिया पी क्यू आर। अब इस ट्रायंगल की खासियत ये है कि इसका क्यू 90 डिग्री का है और ए बी साइड इस पी क्यू के बराबर है, बेस इसका इसके बेस के बराबर है। ठीक है, मैंने एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की है। किस तरह की ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की है कि जिसका ये वाला एंगल 90 का है और जिसकी ये साइड इसके बराबर है, नीचे वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, अब मैंने ये प्रूफ करना है बी एंगल 90 का। तो कैसे प्रूफ करूंगी, अगर ये मैं प्रूफ कर दूंगी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्गुरेंट है, कॉन्गुरेंट का मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे, तो ये बी और क्यू बराबर हो जाएगा, तो क्यू 90 है तो बी भी 90 हो जाएगा। अब सवाल ये है कि दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी कैसे। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होने चाहिए, तो ये साइड इसके बराबर है, ये हमने कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया है, ये बेस इसके बराबर है, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन ऐसे किया है। अब अगर मैं ये चीज इसके बराबर कर दूं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए अब जो हमें ये रिजल्ट दिया है वही यूज करेंगे। तो चलिए कैसे करना है, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल। अब ये राइट ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल क्या नाम है, पी क्यू आर, इन विच जो एंगल क्या हुआ है 90 डिग्री का, और पी क्यू ए बी के बराबर है, और दूसरी चीज क्या है कि क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के। ठीक है, अब हमने प्रूफ करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर में अब कहता है एंगल क्यू 90 का है, अगर एंगल क्यू 90 का है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे कि 90 अगर किसी ट्रायंगल में एंगल 90 हो तो उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो वो रिजल्ट यूज करने लगे हैं। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या रिजल्ट आएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के, और क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं पी क्यू की जगह ए बी भरने लगी हूँ और क्यू आर की जगह बी सी भरने लगी हूँ। रीजन क्या लिखूंगी, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने की ऐसी है,
ठीक है। अब आगे चलिए, ये हमारा हो गया, तो इसका मतलब अब पी आर स्क्वेयर है, ये इसके बराबर है। अब देखिए, हमने प्रूव किया कि पी आर स्क्वेयर जो है हमारा इसके बराबर आ गया। लेकिन अब आप देखिए, पी आर स्क्वेयर इसके बराबर है और गिवन भी हमें गिवन दिया था कि ये चीज़ किसके बराबर है, ए सी स्क्वेयर के। तो गिवन और जहाँ पे अब तक हम पहुँच गए वहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो गए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फ्रॉम ए सी स्क्वेयर बराबर पी आर स्क्वेयर, ठीक है, लिखेंगे बिकॉज ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर किसके बराबर है, ए सी स्क्वेयर के। हमें ये गिवन है, गिवन है ना, तो वहीं से हमने ये चीज़ ली है, ठीक है। तो अब आगे चलिए, अब ए सी स्क्वेयर मेरे पास पी आर स्क्वेयर के बराबर आ गया। तो अगर ए सी स्क्वेयर पी आर स्क्वेयर के बराबर आ गया तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, ए सी पी आर के बराबर हो गया, स्क्वेयर स्क्वेयर कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब ए सी पी आर के बराबर हो गया, अब देखिए ए सी पी आर के बराबर आ गया, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सारी बराबर हो गई। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बिकॉज ए बी पी क्यू के बराबर है, ठीक है, बी सी क्यू आर के बराबर है। अब तीसरी हमने प्रूफ कर दी ए सी पी आर के बराबर, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल पी क्यू आर के। किससे, एस एस रूल से, साइड साइड साइड, तीनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर है, तो साइड 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 रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, बराबर। तो ये बी क्यू के बराबर हो गया, तो क्यू की मेजरमेंट कितनी है, 90 डिग्री, तो इसका मतलब बी एंगल किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के। यही हमने प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। तो देखा हमने कि पाइथागोरस थ्योरम के जो है दोनों ही साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट में कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल में एंगल 90 हो तो रिजल्ट ये लगता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और अगर ये रिजल्ट होल्ड करता है तो वो एंगल जो है उसमें एंगल 90 का होगा ही होगा। तो ये थ्योरम की दोनों साइड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर इस थ्योरम में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।